पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन पर किसने बधाई नहीं दी, सभी ने उन्हें दिल खोल कर बधाई दी, लेकिन पावर स्टार को जिसका इंतजार था उस बंदे ने तो उन्हें बधाई तक न दी। हम बात कर रहे हैं पावर स्टार के दिल की रानी उनकी पत्नी ज्योति की। जी हाँ, जीवन साथी ही जब साथ रहकर भी ना रहे और खुशियों और दुख दोनों में ना शामिल हो तो उसका गम कुछ ज़्यादा ही होता है। भले ही चेहरे पे मुस्कुराहट हो लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे भी एक दर्द होता है। न जाने क्यों पवन और ज्योति के ख्यालातों में इस तरह से क्यों तलखियां आ रही हैं कि इनके रिश्तों को न जाने किसकी नज़र लग गई। ये दोनों एक साथ बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। फिर न जाने क्या हुआ, ना ज्योति और ना पवन कभी अपने रिश्ते पर खुलकर नहीं बोले। जितने भी फैंस थे सभी को इंतज़ार था कि पवन सिंह के बर्थडे के दिन उनकी पत्नी उनके साथ होंगी, रुद्राभिषेक की पूजा घर में रखवाई पवन सिंह और शादीशुदा होने के बावजूद भी वो अकेले ही रुद्राभिषेक की पूजा में बैठे। वैसे हिंदू धर्म में शादी के बाद अकेले कोई पूजा करना उचित नहीं माना जाता, लेकिन जब जीवन साथी रहकर भी उनके साथ नहीं है तो पवन ने ये सोचा होगा कि चलिए अकेले ही सफ़र किया जाए। लेकिन क्या ये सफ़र किसी सफ़र से कम नहीं है? जी हाँ, हम इंग्लिश वाले सफ़र की बात कर रहे हैं कि ये सफ़र पवन सिंह के खुशियों पे ग्रहण जैसा ही है। कहीं ना कहीं उन्हें अपने जीवन साथी की याद आती होगी और कहीं ना कहीं वो उसे मिस भी बहुत करते होंगे, लेकिन ये बता पाना पवन सिंह के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। वैसे भी ठहरे एक्टर, हर गम को छुपा ले जाना तो इन सभी को बहुत बखूबी आता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना।